नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो हम बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। यहाँ से पेडागॉजी के साथ साथ CDP में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नाम विस्तार तथा प्रमुख तिथियां के बारे में बात करते हैं। तो 600वें संशोधन में 600वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 का को प्रभावी बनाने हेतु यह अधिनियम लाया गया जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 नाम से जाना जाता है। तो 600वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 का को प्रभावी बनाने हेतु यह अधिनियम लाया गया था जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 नाम से जाना जाता है। प्रमुख तिथियां 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित हुई थी, 27 अगस्त 2009 को राजपथ में प्रकाशित हुई थी, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में प्रभावी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। तो 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया था, 27 अगस्त 2009 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में प्रभावी रूप से कर दिया गया जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। तो इस अधिनियम में 7 अध्याय एवं 38 खंड हैं। ठीक, चलिए अध्याय 1 देखते हैं। प्रारंभिक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधीन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार है। इसमें जो पहला तथ्य निकल के आता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा दी जाने का पूरा अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा से अभिप्राय यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने है तो किसी प्रकार का शुल्क देने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा, यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोई पैसा नहीं देना है। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा से है। तो आरंभिक प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय जो है वो 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा से है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के उपबंध बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के उपबंध बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु संबंध लागू होंगे। अध्याय 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा हेतु बालकों को शुल्क से मुक्ति किया जाए। निःशक्त बच्चों को अन्य बालकों के समान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। बच्चों को अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने पर शिक्षा जारी रखने का अधिकार है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण करने हेतु एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हस्तांतरण का अधिकार है। तो प्रारंभिक कक्षा में शिक्षा हेतु बालकों को शुल्क से मुक्ति हो, निःशक्त बच्चों को अन्य बालकों के समान निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हो, बच्चों को अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने पर शिक्षा जारी रखने का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हस्तांतरण का पूरा अधिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य। अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के भीतर समुचित सरकार को निकट के विद्यालय स्थापित करना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा के अधिकार के लिए निधियां या फंड की व्यवस्था करेंगी। तो अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के भीतर ही समुचित सरकारों को निकट का विद्यालय स्थापित करना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा के अधिकार के लिए निधियां या फंड व्यवस्थित करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के दायित्व। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा या फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम जिसे कहते हैं को विकसित करना है। शिक्षा परीक्षण में मानकों का विकास करना। राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा जो हो उसको विकसित करना है, शिक्षक परीक्षण और मानकों का विकास करना है, राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के दायित्व। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। प्रत्येक पोषण क्षेत्र के लिए विद्यालय स्थापित करना है। वहीं प्रत्येक पोषण क्षेत्र के लिए विद्यालय स्थापित करना है एवं आधारभूत संरचना यथा भवन, शिक्षक एवं शिक्षक सामग्रियों की व्यवस्था करना है। प्रत्येक बच्चे को नामांकन का सुनिश्चित करना है, उनकी उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा का अनुसरण करना है। निर्धारित मानकों के अनुरूप अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करना,
पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का समय निर्धारण करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। तो इसमें राज्य सरकार के दायित्व क्या है, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, प्रत्येक पोषण क्षेत्र के लिए विद्यालय स्थापित करना है, आधारभूत संरचना यथा भवन, शिक्षक एवं शिक्षा सामग्रियों की उचित व्यवस्था करना है, प्रत्येक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है, उनकी उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा का अनुश्रवण करना, निर्धारित मानकों के अनुरूप स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का समय निर्धारण करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्थानीय पदाधिकारी के दायित्व क्या क्या हैं उस पर बात करते हैं। तो इसमें पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सभी बच्चों का नामांकन तथा उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं अभिलेख संधारित करना। तो पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सभी बच्चों का नामांकन तथा उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं अभिलेख संधारित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव न होने देना एवं सुनिश्चित करना, विद्यालय के कार्यकलाप का अनुसरण करना। तो पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए विद्यालय की उचित सुनिश्चित करना होना, विद्यालय की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करना, सभी बच्चों का नामांकन तथा उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं अभिलेख संधारित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण की आयोजित करना, कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव न होने देना सुनिश्चित करना, विद्यालय के कार्यकलाप का अनुसरण करवाना। चलिए अभिभावकों के दायित्व के बारे में बात कर लें। तो प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह निकटतम विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करें। अध्याय 4 विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व के बारे में बात करते हैं, जिसमें विद्यालय के दायित्व में सबसे पहला यही होता है, सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, निजी अथवा विशेष श्रेणी के विद्यालय आसपास के निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों को पहली कक्षा से उस कक्षा में बच्चों का कुल संख्या से कम 25% की सीमा तक प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश हेतु प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा दान स्वरूप राशि नहीं ली जाएगी। प्रवेश हेतु किसी प्रकार की जाँच परीक्षा नहीं ली जाएगी। आय का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। तो आय का निर्धारण कहाँ पर किया जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा, किंतु उसकी उपलब्धता की स्थिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा और ना ही निष्कासित किया जाएगा। बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो विद्यालय का यह दायित्व होता है कि सरकार द्वारा स्थापित व सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा बच्चों को निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना होता है। वहीं इसके अलावा निजी अथवा विशेष श्रेणी के विद्यालय आसपास के निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों को पहली कक्षा में उस कक्षा के बच्चों की कुल संख्या से कम 25% की सीमा तक प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश हेतु प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा दान स्वरूप राशि नहीं ली जाएगी। प्रवेश हेतु विद्यालय की जांच परीक्षा नहीं ली जाएगी। आय का निर्धारण जन्म प्रमाण के आधार पर किया जाएगा, किंतु उसकी उपलब्धता के स्थिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा और ना ही निष्कासित किया जाएगा। बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड भी नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों का दायित्व यह होता है कि विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता और समय पालन हो, पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे समय से पूरा करना, प्रत्येक बच्चों को सीखने की क्षमता का आकलन करना और तदनुसार शिक्षण करना, नियमित अभिभावकों बैठकें आयोजित करना, शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 शिक्षक संख्या के मानक किए गए हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। तो छात्रों की संख्या 60 तक हो तो शिक्षकों की संख्या 2 होगी। छात्र शिक्षक का अनुपात हुआ 30 बच्चों पर एक टीचर होंगे। वहीं 61 से 90 के बीच में छात्रों की संख्या होगी या बच्चों की संख्या होगी तो शिक्षकों की संख्या 3 होगी और 30 बालकों पर एक टीचर होंगे। वहीं 91 से 120 बच्चों के होने पर 4 शिक्षकों की संख्या होगी, 30 शिक्षक पे मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर होंगे। वहीं 121 से 200 के बीच में छात्रों की संख्या होने पर शिक्षकों की संख्या 5 होगी, वहीं 40 छात्रों पर एक टीचर होंगे। वहीं 150 से अधिक छात्रों के होने पर 1 प्रधान अध्यापक शिक्षक, 5 सहायक शिक्षक और 40 टीचर पे 40 बच्चों पे एक टीचर होंगे। 1 से 5 तक के लिए था ये। अब आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ग हेतु
न्यूनतम एक शिक्षक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित एवं भाषा के लिए एक एक शिक्षक होंगे। प्रत्येक वर्ग हेतु न्यूनतम एक शिक्षक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित एवं भाषा के लिए एक एक शिक्षक। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 35 बच्चों पर एक के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षक होंगे। छात्र संख्या 100 से अधिक होने पर एक पूर्णकालीन प्रधान शिक्षक होगा, अंशकालीन अनुदेशक होगा, ललित कला शारीरिक शिक्षा में कार्य अनुभव शिक्षा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसको पूरा किया जाना। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु शिक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में ध्यान रखने जाने वाले तत्व संवैधानिक मूल्यों की अनुरूपता, बच्चों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक और मानसिक योग्यता का विकास। चलिए आगे बात करते हैं। बाल केंद्रित विधियों तथा क्रियाकलापों व खोज इत्यादि विधियों द्वारा शिक्षण। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन में ध्यान रखे जाने वाले तत्वों में संवैधानिक मूल्यों से अनुरूपता, बच्चों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास, बाल केंद्रित विधियों तथा यथा क्रियाकलाप व खोज इत्यादि विधियों द्वारा शिक्षण। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, बच्चों को भयमुक्त एवं चिंता मुक्त बनाना है, बच्चों की योग्यता को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे हम CCE कहते हैं, कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवेलुएशन, ठीक, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है सीटेट में, उसका भी एक हम वीडियो बनाएंगे। चलिए अब अगला लेसन है अध्याय 6, बाल अधिकारों का संरक्षण। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 जिसे हम RIEPA के अधीन गठित राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के अधीन बालकों को प्राप्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत लिखित रूप से संबंधित अधिकारी से ही की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र शिकायतों का निस्तारण करेगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। राज्य सरकार राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7 पे बात करेंगे। अध्याय 7 के अंतर्गत प्राकीर्ण के बारे में बात करते हैं। तो प्राकीर्ण में नियम जारी करने की शक्ति रहती है। इस नियम के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकते हैं। संदर्भ भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए इस नियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण से सद्भावपूर्वक की गई किसी भी बात के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो आज का सेशन यहीं तक। आज के सेशन के अंतर्गत हमने NCERT के अंतर्गत बाल अधिकार अधिनियम 2009 को पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था CTET के लिए। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।